सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़े खेत। वर्ल्ड वॉर टू बर्मा की जंग के बीच एक हॉस्पिटल में एक इंडियन फौजी को लाया गया। उसके बदन को 9 गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन फिर भी उस फौजी की सांसें चल रही थी। घंटों सर्जरी में अपने इंटेस्टाइन का एक बड़ा टुकड़ा निकलवाने के बाद जब उस फौजी को होश आया, उससे पूछा गया, तुम्हें क्या हुआ था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। ये अंदाज था उस फौजी का, जिसने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को घुटने पर ला दिया। वो फौजी जो पूरी सभा के सामने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को ठुकरा सकता था, वो फौजी जो अगर चाहता तो पीएम की कुर्सी पलट सकता था। आजाद भारत की फौज के पहले सिपाहियों में से एक, भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उर्फ सैम बहादुर। माय जॉब इज टू फाइट, फाइट टू विन। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए। ये कहकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को एक भरी सभा में ठुकराया था इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ सैम मानेकशॉ ने। 25 मार्च 1971 इंदिरा गांधी ने काफी चिंतित हालात में सैम को कॉल किया। इस परेशानी का कारण था पाकिस्तान से इंडिया आने वाले रेफ्यूजीज। उस समय पाकिस्तान में तनाव का माहौल था और हालात काफी खराब चल रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म किए जाने की वजह से कई सारे रेफ्यूजीज इंडिया में घुस रहे थे। उनकी मांग थी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाए, और अपनी मांग पूरी ना होने पर वो प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लूट, मर्डर्स और बलात्कार हो रहे थे, और इस सबसे बचने के लिए हजारों रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत आने लगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर्स दिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर वहाँ अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करे, लेकिन सैम ने उनकी आंख में आंख मिलाकर उनके ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये जंग हुई तो भारत की हार पक्की थी, और वो अपने सोल्जर्स को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं भेज सकते। पूरे कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। एक आर्मी चीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को साफ ठुकरा दिया था। वर्ल्ड वॉर टू में अपनी बहादुरी साबित करने की वजह से सैम को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। 1945 आते आते उनका प्रमोशन हुआ, वो बन गए मिलिट्री ऑपरेशंस के जनरल ऑफिसर। इस औहदे को ब्रिटिश ऑफिसर्स में सबसे ऊंचा पद माना जाता था, और सैम मानेकशॉ से पहले कोई भी इंडियन इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू, सीनो इंडियन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इन सब में सैम ने न सिर्फ भारतीय आर्मी को लीड किया बल्कि उन्हें जिताया भी। 1947 में पार्टीशन के कुछ समय बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सैम मानेकशॉ को पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का प्रस्ताव भेजा, पर सैम ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया और भारत के लिए अपनी हर सांस समर्पित करने का फैसला किया। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या होता अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान की तरफ से सारी लड़ाइयां लड़ते, इस बात पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान सारी लड़ाइयां जीत जाता। अपने इसी अंदाज की वजह से सैम मानेकशॉ कई कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़ गए। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें एंटी इंडियन कहा गया, लेकिन उनका यह अंदाज नया नहीं था, बल्कि उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी विद्रोह से। 13 अप्रैल 1914 पंजाब के एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की तरह लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उनके पिता ने इस बात से इनकार कर दिया, ये कहकर कि सैम अभी बहुत छोटे हैं। इस बात से सैम इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी की एंट्रेंस की परीक्षा दी और उनका नाम मेरिट में भी आया। 1932 की इंडियन मिलिट्री अकेडमी की सबसे पहली बैच के 15 स्टूडेंट्स में से एक थे सर सैम मानेकशॉ। यही इंडियन मिलिट्री अकेडमी आज इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अकेडमी। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, आगे चलकर उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनने वाला था। लेकिन इसी निडर और विद्रोही अंदाज की वजह से सैम का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। बात यह थी कि सैम हमेशा अपने सोल्जर्स और अपनी ड्यूटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। वो रूल्स और प्रोटोकॉल में भी नहीं मानते थे। उनका सिर्फ एक पर्पस था, सबसे काबिल फौजी तैयार करना। वो हर सोल्जर्स की इज्जत और मान के लिए खड़े रहते थे।
इसी वजह से उनकी कई लोगों के साथ अनबन हो जाती थी। जब सैम ने 26th इन्फेंट्री डिवीजन ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर्स अपने मिशन पूरे करके वापस लौटते हैं उन्हें महीनों तक सरकारी घर के लिए वेट करना पड़ता है। उन्होंने इस चीज को ठीक करना टॉप प्रायोरिटी समझा। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद तब के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन टीम में हेल्प करें, लेकिन सैम ने सीधे इन ऑर्डर्स को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उनके सोल्जर्स लड़ने के लिए ट्रेन किए गए थे, सस्ते मजदूर के रूप में यूज होने के लिए नहीं। सैम ने कई बार अपने सोल्जर्स की भलाई के लिए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से टक्कर ली बिना किसी अंजाम की फिक्र की, और उनके इसी विद्रोही जज्बे की वजह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक शानदार जीत हासिल की। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स ठुकराने के बाद सैम को खुली छूट दी गई कि वो इस जंग की प्लानिंग अपने हिसाब से करें, और ये फैसला सही रहा। अगले 6 महीनों में सैम मानेकशॉ ने जंग की हर छोटी डिटेल को प्लान कर लिया। अपनी आर्मी के हर डिवीजन के छोटे से छोटे लेवल तक के सोल्जर्स से वो खुद बात करते और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते। इंटेलिजेंस एजेंसी से कांस्टेंट टच बनाकर वो पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी हरकत, उनकी ताकतें, कमजोरियां, उनके ख्याल सब पढ़ रहे थे। पॉलिटिशियंस, नेवी, एयरफोर्स, रेफ्यूजी सोल्जर्स, ईस्ट पाकिस्तान सोल्जर्स, हर किसी से कोऑर्डिनेशन बनाकर सैम ने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे जीत पक्की थी। महीनों की प्लानिंग के बाद 3 दिसंबर 1971 को ऑफिशियली इस युद्ध की शुरुआत हुई। इंडियन एयरफोर्स ने एक ही दिन के अंदर आसमान में अपनी जीत हासिल कर ली। जमीन पर सैम ने 3 दिशाओं से पाकिस्तान पर हमला किया। 9 आर्मी डिविजन्स और उन सबके साथ एयरफोर्स का सपोर्ट। सैम की फौज वो अटूट दीवार थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। पाकिस्तान के सारे मजबूत इलाकों को इंडियन फोर्सेस आसानी से पार कर गई। भारत के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर्स और पैराट्रूप्स को सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूरी नेवी का ये पहला ऑफेंसिव मिशन था। सैम ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के रेडियो पर बार बार मैसेज पहुंचाना शुरू किया, यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, घुटने टेक दो वरना मिटा दिए जाओगे। सैम मानेकशॉ ने दुश्मनों को न सिर्फ जंग के मैदान में हराया बल्कि उनके दिल दिमाग में डर कायम किया, और इसी डर से अगले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने भारत के जज्बे और सैम बहादुर के मिलिट्री टैक्टिक्स के सामने हार मानी, और इसी तरह जन्म हुआ बांग्लादेश का। लाखों लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कर बांग्लादेश की स्थापना करवाने और पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाने के बाद भी सैम मानेकशॉ को वो इज्जत नहीं मिली जिनके वो हकदार थे। भारत के कैबिनेट में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। ऐसी बातें भी उड़ रही थी कि सैम पाकिस्तानी कैदियों का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे ये कैदी उनके दामाद है। 1971 के युद्ध के 2 महीनों बाद सैम मानेकशॉ किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए। वहां गवर्नर के स्टाफ से एक आदमी ने अपनी पगड़ी उतार कर सैम के पैरों में रख दी। सैम हैरान हो गए। उस आदमी ने बताया कि उसके 5 लड़के भारत की जेल में कैद हैं, लेकिन वहां उनके साथ सम्मान से बर्ताव किया जाता है, यहां तक उन्हें कुरान भी दी गई है। वो आदमी गवर्नर की तरफ मुड़ा और उसने बोला, अब हम कभी नहीं मानेंगे साहब कि हिंदू खराब है। सैम मानेकशॉ के ऊपर कई इल्जाम लगाए गए, पाकिस्तानी सिंपथाइजर होना, एंटी हिंदू बातों को बढ़ावा देना, खुद इंडिया के खिलाफ बातें करना, इंडिया के खिलाफ साजिश करना। यहाँ तक कि मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के बेटे ने ये क्लेम किया कि 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जब सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे तब उन्होंने पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स बेच दिए थे। 20,000 रुपए की इस झूठी अफवाह के कारण पूरे देश में सैम की बदनामी हुई। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने इन एक्यूजेशंस को गलत प्रूव कर दिया, लेकिन इस धब्बे ने उनकी मृत्यु के बाद भी सैम का पीछा नहीं छोड़ा। जनवरी 1973 में उनके रिटायरमेंट से पहले उन्हें इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक से नवाजा गया, फील्ड मार्शल। 15 दिनों बाद सैम मानेकशॉ एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए, पर तब भी ये कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हो गई। 94 साल के सैम का रुतबा मरते वक्त भी उनके साथ था। आई एम ओके, इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे होने के कारण सर सैम मानेकशॉ का फ्यूनरल
बिना किसी मिलिट्री रिस्पेक्ट के कर दिया गया। अपने देश की इतने सालों तक पूरी शिद्दत से सेवा करने के बाद भी उन्हें ना ही वो फ्यूनरल और ना ही वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। और यही कारण है कि आज भी कई लोग नहीं जानते कि सैम बहादुर कौन थे और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।